आप कहेंगे मेरा मौकफ है, मैंने कह दिया कि उस आयत को इस आयत पर कयास नहीं किया जा मेरा सकता। मौकफ, मैं आयत पढ़ रहा हूँ उस मौकफ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, नबी सलाम की हदीस पढ़ रहा हूँ, तो कुरान हदीस हुआ। मौलाना एक बात सुनो, तहजीब तमीज़ ये है कि मैं आपकी बात में नहीं बोला, मुझे अच्छे से बोलना आता है, आपके बड़ों के सामने बोलना आता है। आपने मौके पर आप दलील से आप ये कहें कि यार कुरान हदीस है, ये आपके मेरा मौकफ मौलाना है, मेरा मौकफ कुरान हदीस में बबरी है, मैं इस पर दायो। आप अपने बारी पर जब आपको वो मौका दें, आप 10 मिनट बोले, आप बोले, अगर आप 20 मिनट बोले मैं नहीं, आप वजाहत नहीं, आप बोले, अच्छा बोले, आप बोले, आप बोले कुरान और हदीस पर मबनी मेरा मौका। मैं अब अर्ज सुने, अब आपके बड़े भी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सुन लीजिए बात सुन लें। देखें, आपको अगर शोहरत का शौक है तो आप लड़ाई करके हो जाए मशहूर। मैं आपको बताया, देखें मौलाना बात यह है कि देखो मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि मुअज्जब दुनिया में डिबेट का तरीका ये होता है कि आप अपनी बारी पर बोलें। हजरत आप बोले, मैंने कह दिया, नहीं ना, इसी पे आप लगे रहेंगे, आप बोले, आप आगे बढ़े, मैंने वजाहत कर दिया, मैंने अर्ज कर दिया कि आप अपनी बारी पे बोले, आप मुझे बोलने दें, मैं अपनी बारी पे जितना वक्त आप मुझे देंगे मैं बोलूंगा, फिर इनको दे दें। ठीक है, वजात नहीं, वजात आप अपनी बारी पे करें, दूसरी की बारी में वजात, और आप भी मेरी बारी में नहीं करेंगे, वजात नहीं है। ठीक है, सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। आप देख रहे हैं माएँ और मौलाना, मैं नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ आपको एक खूबसूरत से मौजू के साथ। हाँ, एक हकीकत है मौत जिससे आप कत नज़र नहीं कर सकते, दूर नहीं भाग सकते, मगर मौत के बाद क्या है? दोबारा ज़िंदगी में आएंगे, इसी धरती पे चलेंगे, कुर्रे अर्ज़ पे किसी जगह मकान बनाएंगे, दोबारा से इसी तगोदौर में शामिल हो जाएंगे, सियासत रियासत हुकूमत और अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी, या फिर दरवाज़ा बंद आलम अरवाह में वापसी होगी, बरज़ख़ का सफ़र क्या होगा, जनाजे कैसे होने चाहिए, होते कैसे हैं, यानी जो ही इंसान की आंखें बंद होती हैं उसके बाद से सफ़र कैसा होता है, शरीयत क्या अहकाम देती है, सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है, इस पर आज बात होगी। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ प्रोग्राम में शामिल दो मारूफ शख्सियात को जो हमारे लिए आज बहुत बड़ी नेमत और खासा और खजाइन में से एक है। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा बहुत ही प्यारे मुफ्ती रफीक सलफी को, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं खुश आमदीद दूंगा अपने दूसरे मेहमान को, आज पहली मरतबा मैं और मौलाना में तशरीफ़ लेकर आए, बहुत सारी जगहों पर आप इनको देखते हैं, मुफ्ती नवेद अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं मुफ्ती रफीक सलफी साहब से आगाज़ करना चाहता हूँ, सब इंसान की जब आंखें बंद होती हैं मौत का फरिश्ता आता है, यहाँ से उसका सफ़र अलग शुरू हो जाता है, तो क्या यानी एक समझने वाली बात है, उसको पहले से अंदाज़ा होता है? कहते हैं मरने वाले को पहले से पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, पहली चीज़ तो ये है, फिर जब मौत का मंजर होता है कोई फरिश्ता उसके सामने आता है, क्या कैफियत होती है, अहादीस में क्या बयां हुआ है? बहुत अच्छे टॉपिक आपने इंतखाब किया है, यकीनन हम सबको इसकी फ़िक्र भी करनी चाहिए और इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। ये ऐसी हकीकत है इससे हम भाग नहीं सकते। किसी ने खूब कहा कि अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कि मौत ऐसा प्याला है हर नफ्स ने पीना है, और कब्र ऐसा दरवाज़ा है हर नफ्स ने दाखिल होना है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। वल आजिज मन तबाल हवा व तमन्ना अल्लाह, बेवकूफ़ वो है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और फिर अल्लाह पर उम्मीदें बांध लेता है। मौत तो एक हकीकत है, अल्लाह का कानून है, इससे हम बच नहीं सकते। आपके नाज़रीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसका वक्त मुकर्रर है, किसी को मालूम नहीं कब आएगा। मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, मा तदरी नफ्सुन बि अय्यि अर्ज़िन तमूत, कहाँ मरेगा, जवानी में मरेगा, बुढ़ापे में मरेगा, ख्वाहिशात की तकमील के बाद मरेगा, पहले मरेगा, कहाँ मरेगा, किस कैफियत में मरेगा, किसी को मालूम नहीं, कुछ इदा जा कोई अंदाज़ा नहीं। इदा जा अजलुहा ला युअख्खर, जब मौत की घड़ी आ जाए एक लम्हा भी पीछे नहीं हटती। और फिर कुरान की आयतें कम भरी पड़ी हैं, आई नमा तकून युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हें मौत आ पकड़ेगी। वलौ कुन तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किलों में बैठ जाओ,
और कहो कि मैं मौत से बच जाऊंगा, वहां भी आ जाए, ये अजल है। बाकी मौत के बाद की कैफियत, मौत आ गई। आलम पांच किस्म के मशहूर बातें, आलम अरवाह, फिर आलम रहम या मादर, फिर ये आलम दुनिया, आलम बरजख, फिर आखिर में हिसाब व किताब और क़्यामत का आलम। ये तो हकीकत है। हर चीज़ की कैफियत अलग अलग है। आलम अरवाह की कैफियत अलग थी कि अल्लाह ने रूहों से पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम सब की रूहों ने कहा था, कालू बला, जी हाँ अल्लाह जी, आप हमारे रब हैं। आपने भी कहा, मैंने भी कहा, क्यामत तक आने वाले सब हम लोगों ने कहा, जी हाँ अल्लाह जी, आप हमारे रब हैं। किस कैफियत में कहा? रूह माल जसद कहा, खाली जसद ने कहा, खाली रूहों ने कहा, रूहों ने कहा। क्या मुझे समझने के लिए पूछ सकता हूँ कि जिसम तो हमारा जारे डेट ऑफ बर्थ है हमारी, तब पैदा हो, रूह उस वक्त मौजूद थी हमारी, रूहों की तकलीफ कब हुई हमारी? यानी कोई डेट ऑफ बर्थ ऑफ रूह है हमारे जी? डेट ऑफ बर्थ की रूह नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया उसकी कैफियत नामालूम है, किस कैफियत में थी, लेकिन अल्लाह ने वादा लिया और उस वादे की याद दहानी हमें कराई कि वो वादा आपको याद है कि नहीं याद, आपने अल्लाह से वादा किया हुआ है। फिर एक वादा अल्लाह ने नबियों से भी किया था कि अगर तुम्हारे होते हुए मेरा आखिरी नबी आ जाए तुम क्या करोगे, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु। तो ये आलम अरवाह की कैफियत। फिर आलम मादर, माँ के पेट छोटा सा वक्त है 9 महीने का, ये भी एक आलम है। यहाँ भी एक इंसान पलता है, फूलता है, बड़ा होता है, उसकी कैफियत होती है, ये भी एक वक्त है। फिर आलम दुनिया जहाँ इंसान शर और खैर कमाता है, ये है कि अल्लाह फरमाते हैं हमने क्यों पैदा किया, खलकल मौत वल हयात लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं अच्छे अमल कौन करते हैं, अल्लाह को राजी कौन करते हैं। फिर आलम बरज़ख है कि जब ये इंसान 60 साल, 70 साल, 50 साल, जो भी अल्लाह ने जिंदगी दी है गुजारता है, फिर उसके बाद जाने ही जाने, फिर उसके बाद हयात कोई नहीं, फिर हयात नहीं है, हयात नहीं है, मर गया तो बस खत्म खत्म, और फिर क्यामत वाले दिन उठेगा, क़यामत क़यामत। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, ये मौजू मेरे लिए समझने से ताल्लुक़ रखता है कि एक दफ़ा इंसान जब मर गया तो दोबारा उसको ज़िंदगी नहीं आएगी, क्या वो दोबारा 40 दिन बाद या जुमेरात को लौट कर अपने घर वालों में नहीं आएगा? क्या उसका कोई राबता नहीं हो सकता? क्या वो हमारे लिए, हम उसके लिए इस आले सवाब का सिलसिला नहीं कर सकते? यानी कोई रब्त नहीं, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान कई इर्तकाई मराहिल से गुज़रता है। एक तो हमारी ये जो ज़ाहिरी हयात है इसमें हम मुख्तलिफ मदारिस से गुज़रते हैं, और एक है इंसान का अयान साबता से होना। अयान साबता ये वो मामलात हैं कि जब कुछ भी नहीं था, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, तो बस उसने अपनी शान के लायक इंसानों की अरवाह को जमा किया, जैसे बात हुई अंबिया की अरवाह को, फिर इंसानों की अरवाह से ख़िताब किया, और फिर उसने अपने इल्म से चीज़ों को लिख दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होना, फिर उसके बाद उनका दुनिया से चला जाना, ये इंसान दुनिया में आता है और दुनिया में आने से के बाद ये इस दुनिया की ज़िंदगी गुजार के आगे बढ़ता है। तो याद रखिए हर आलम के अपने तकाजे हैं। अच्छा। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ के तकाजे अलग हैं। इससे पहले मैं माँ के पेट में था तो वहाँ के तकाजे क्या थे? यानी आप में, आप दुनिया के किसी भी ज़हीन तरीन इंसान से ये पूछ लें कि माँ के पेट में उसके साथ क्या मामलात थे, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन जब आप बारीक बीनी से कुतुब अहदीस का मुताला करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैफियत का तस्करा किया कि वहाँ वो किस कैफियत में होगा, किस हाल में होगा। ज़ाहिर है वहाँ पे भी वो तस्वीर व तालील करता था, लेकिन उसका अंदाज़ा बाहर वाले को नहीं हो सकता कि अंदर क्या हो रहा। तो इसी तरीके से जब इंसान अपनी इस हयात को गुजार कर कब्र की तरफ जाता है तो देखिए ये मौत क्या है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, मौत का ज़ायका चखना है। अब जायका चखना क्या है वो आप समझ सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान अमीन ने दूसरे मकाम पे कहा, कैफ तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम युमीतुकुम थुम युहयीकुम थुम इलैही तुरजऊन। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तुम कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम हमने तुम्हें जिंदगी दी, थुम युमीतुकुम फिर तुम्हें मौत देंगे, थुम युहयीकुम इस मौत के बाद तुम्हें हयात देंगे, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ उस हयात के बाद तुम अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे। मतलब ये है भाई, मतलब साफ है कि मौत के बाद जिंदगी आ रही है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ,
मतलब ये है, बड़ा सादा बड़ा दो टोक सा मतलब है कि कब्र में जब जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते आते हैं रिवायात में है, और वो डरावनी शक्ल वाले भी होते हैं, ये तमाम तर रिवायात हैं। क्या अब आपको फरिश्ते नज़र आ रहे हैं? यहाँ किसी को फरिश्ते नज़र आ रहे हैं? इस आलम का तकाजा और है, बरज़ख का तकाजा और है, वहाँ फरिश्ते नज़र आते हैं और वो बंदा फरिश्तों से हम कलाम होता है। फरिश्ते उसको पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है, मा कुंत तकूल फी हक के हादर रजुल, ये बुखारी में कई मकामात पर और दीगर सियाह की किताबों में रिवायत मौजूद है कि तू रब के मुतालिक क्या कहता है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल एक रिवायत में है, नामे नामी लिया जाएगा कि ये हुजूर हैं, वहाँ ये नहीं है कि ये हमारे नबी हैं, ये नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह, बल्कि दुनिया में तू इनके मुतालिक क्या कहा करता था। अच्छा। तो अगर वो सवालों के सही जवाब दे देता है तो नम कनम तना यौमल उरूस से हदीस है कि उससे कहा जाएगा सो जा ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है, यानी वो जो बंदा है मोमिन होता है उस पर कब्र की कैफियत ऐसी होती है जैसे दुल्हन अपने शौहर का इंतज़ार करती है, ये आखरत का इंतज़ार करता, और इस पर अल्लाह की नेमतों और रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, ये सही तरीन रिवायात में मौजूद है। इसके बरक्स जो आदमी सवालों के जवाब नहीं दे पाता, काफिर होता है या गुनाहगार होता है, उस पर अजाब की कैफियत आ जाती है और वो उसको महसूस करता है। तो ये उस आलम के तकाजे, वो वहाँ के हिसाब से हयात में होता है, वहाँ की हयात को जाहिर है कि आप कयास करें इस आयात पर तो कयास नहीं किया जा सकता, ये आयात के मामलात अलग हैं, वहाँ की हयात के मामलात अलग हैं, वहाँ वो फरिश्तों को देख रहा है, फरिश्तों से हम कलाम हो रहा है, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की रिवायात बताती हैं कि उनकी रूहें जो है वो आला इलियीन की तरफ जाती हैं, फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद शुहदा के हवाले से बात करता है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें ये बताती हैं कि वहाँ की अपनी एक आयात है, उस आयात को कोई आदमी इस आयात पर कयास करे तो दुरुस्त नहीं, इस आयात को उस आयात पर कयास करना दुरुस्त नहीं है। ये जो आयत जिसका जिक्र हुआ इसमें कहीं वाज़ेह तौर से ये इशारा नहीं मिल रहा कि जब तुम सब अम्बात थे फिर उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम सबको मौत आएगी वो फिर ज़िंदगी देगा, तो हयात से मुराद जीना जागना नहीं, क्योंकि मैशर का तो उसने आखिर में जिक्र किया जब उसने कहा कि तुम्हारी रिजत होगी रोज़े मैशर तुम लाए जाओगे, तो वो हयात कैसी हयात नहीं है, ये नहीं कह रहा कि तुम मर जाओगे तो ज़िंदा किए जाओगे। मुफ्ती साहब ने बड़े वाज़े तौर पर समझाया है कि दुनिया की कैफियत और है, वहाँ की कैफियत और है, यहाँ के मामलात और हैं, वहाँ के मामलात और हैं, कई फतकफरून बिल्ला इसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मौत के बाद भी तुम्हें उठाया जाएगा, अलबासु बादल मौत। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे अज़ा कुन्ना इज़ामों रुफाता, जब हमारी हड्डियाँ बसीदा हो जाएंगी, हम मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी से मिल जाएंगे, इन्ना लमबूसून, कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? पैगंबर कहता है क़यामत होगी, ये पैगंबर फरमाते हैं जन्नत जहन्नम है, ये पैगंबर फरमाते हैं हिसाब व किताब है, कैसे होगा? अक़ल तो मानती नहीं है। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि तुम अगर लोहा बन जाओ या पत्थर बन जाओ, अल्लाह के नज़दीक कोई मुमकिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वो अल्लाह फरमाते हैं तुम लोहा या पत्थर बन जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, तुम अदम थे, तुम्हारा नाम नहीं था, अल्लाह ने अदम से तुम्हें वजूद बख्शा, कई फतक फरूना बिल्लाही, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, कैसे तुम मर गया वो अब कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क़यामत में जिंदा होगा, वैसे जिंदगी नहीं हो सकती, कैसे मुमकिन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, वो वापसी कैसे आ जाएगा? ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मौजज़ा अता किया था, जैसे अल्लाह ने अम्बिया को मौजज़े अता किए, और मौजज़े का मतलब क्या है? अकल आजिज़ आ जाए, अकल आजिज़ आ जाए, जो नामुमकिन हो वो मुमकिन हो जाए, जैसे दज्जाल के बारे में कहा कि उसको ये इख्तियार मिलेगा एक दफ़ा के लिए कि वो जिंदे को मुर्दा भी जिंदे को मुर्दे को जिंदा कर लेगा, जिंदे को मुर्दा कर देगा, तो ये अकल आजिज़ आ जाए, यही चीज़ है मौजज़ा हज़रत ईसा को अल्लाह ने अता किया था। और वो जो सवाल जवाब हो रहे हैं, जैसे मुसलमान ने फरमाया कि कब्र में पूछा जा रहा है हुजूर सईद वाला के हवाले से, तो क्या हुजूर की शख्सियत सामने दिखाई जाएगी, ये तस्वीर दिखाई जा रही है या रब्त है कोई, ये मामला क्या है? नहीं, दोनों रवायात हैं कि एक रवायत में कि तस्वीर दिखाई जाएगी, इस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं, और दूसरी रवायत में पूछेगा कि तुम्हारा नबी कौन है, पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, नबियों नबी के बारे में तुम्हारा क्या ईमान है? तो हमारा ईमान है, मुफ्ती साहब ने बात ही ख़त्म कर दी कि अगर आप वो लड़ाई की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, वो ज़िंदगी और है, उस ज़िंदगी के मुतालिक जो कैफियात हैं वो दुनिया की मामलात से मुख्तलिफ हैं,
हमारा ईमान है और जो जो चीज़ें हैं कि उठना, सवाल और जवाब होना, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही कबर रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना बन जाती है, यही कबर हुफ्रतुन मिन हुफ्रतिन नार बन जाती है। जब बंदा तीन सवालों के जवाब सही देता है कि रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम नबी मुहम्मद, जैसे इन्होंने पढ़ी कहा नम सो जा ऐसे का नौमतिल उरूस जैसे दुल्हन सो जाती है, और यही कबर जहन्नम बन जाती है। जब बंदा कहता है हा हा ला अदरी, पूछा गया बता तेरा रब कौन है, कहा ओ हो मुझे तो पता ही नहीं है मेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, नहीं मैंने तो नहीं सुना। तो इस कबर को तंग कर दिया जाता है यहाँ तक कि एक पसली दूसरी पसली से मिल जाती है, वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसकी चीखने की आवाज कुल्ला शैइन यस्मा, हर इंसान चीज सुन रही होती है सिवाय, हर चीज सुन रही सिवाय इंसान के और जिनके। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर मुझे डर ना हो कि तुम मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दो, लदाउतुल्लाह अन युस्मिअकुम, मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह तुम्हें सुनाए। क्या कैफियत होती है मुर्दे के साथ, क्या मामलात होते हैं, सब चीज सामने। ऐसी सूरत हाल में उस कब्र पर जाके चने के फूल रख के फातिहा पढ़ के उसकी बख्शिश का सामान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए आप दुआ करें, उसकी मग़फ़रत की दुआएं करें जो हक है, बाकी ये फूल रखना या वहाँ जाके दीगर जो चीज़ें हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। उसमें एक पेश करते हैं दलील के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे, सही बुखारी की हदीस है, मरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है, एक चोलखोर था, एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। हम कहते हैं ये खासा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको किसने बताया, अल्लाह ने बताया, बज़रिए वही बताया, ये बताना मकसूद था कि भाई पेशाब की छींटों से अपने आप को बचा लो, खबरदार ये कब्र के अजाब का बाइस है। ये खड़े होकर पेशाब करते हैं जी, पैंट खोली वहीं शुरू हो जाते हैं आधे कतरे, नहीं नहीं इससे कब्र में अजाब होता है। इसी तरह चोल खोरी, रिश्तों को काटना, ताल्लुकात को बिगाड़ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ला यदखुल जन्ना कत्तातुन ला यदखुल जन्ना कातिउन, तो आप ये आपका खासा है जो आपने बता दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फूल पत्ते रखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं साहिब कब्र और उसके अल्लाह? फूल पत्ते नहीं रखे आपने, खजूरों के दो लिए, वो खजूरें ऊपर रखी, आपने ये फरमाया लअल्लाह, शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए अजाब में तख़फीफ़ कर दे। तो जैसे मैंने कहा ये खासा था अल्लाह के रसूल का, मतलब ये खासा था अल्लाह के रसूल का, यानी इससे अजाब में कोई कमी नहीं आने वाली, कोई तख़फीफ़ नहीं होने वाली, तो फिर हम क्यों, हमारे एक रिवायत है कि फूल रख कर आना या उसकी फातिहा करना या फिर उसके लिए खड़े हो जाना सारे सलात पढ़ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए गुजारिश ये है इस बाब में कि ये जो कब्रों के साथ लोगों का एक ताल्लुक है, लोग जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को कब्रिस्तान जाने से मना किया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें मना किया करता था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रिस्तान जाया करो। तो जब कब्रिस्तान जाया करो के अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए तो उसमें ये भी हिकमत है कि आपको आखरत की याद आएगी, आप आखरत के बाब में गौर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, ये हज़रत का मौक़िफ़ है कि ये हुजूर का खासा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ दो टहनियाँ रखी, तर टहनियाँ तोड़ के दरख्त से नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ रखी दो कब्रों पर, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी अलैहिस्सलाम का कोई अमल देखते तो उम्मत की रहनमाई के लिए पूछ लिया करते, या रसूलल्लाह ये अमल आपने सर अंजाम दिया तो इसमें हिकमत क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको, इन पर अजाब था, अल्लाह इसके सबब से अजाब में तख़फीफ़ कर देगा। अब देखिए नबी अलैहिस्सलाम तो ख़ुद सरापा मौजज़ा है और नबी अलैहिस्सलाम का कोई अमल ऐसा नहीं है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जो हज़रत ने कहा ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमा देते ना कि ये मेरे लिए ख़ास है और ये मेरा अमल है, किसी रिवायत में ये होता, ये तो इनकी तशरीह है या बाज़ मुहद्दिसीन ने इस पर लिख दिया होगा हदीस के ज़ेल और ज़िमन में अपना तबसरा, न इस पर नबी अलैहिस्सलाम का कोई तबसरा है और न नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का कोई तबसरा मौजूद है। देखिए हम तो रिवायात की बात करेंगे और हम कहेंगे कि आप हमें तबसरा दिखाएं, अगर तबसरा नहीं है तो फिर कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हाँ जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का कोई मौजज़ा है, जहाँ एजाज की बात आपको नजर आएगी वहाँ तबसरा मौजूद है सहाबा कराम का, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को दो टुकड़े किया तो हुज़ूर ने फरमाया ये मेरे लिए है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर को बुला रहे हैं और दरख्त को बुला रहे हैं, वो जड़ें उखाड़ के आपकी तरफ आ रहा है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम का खासा है, वो मौजज़ा है। यहाँ ये अमल हमारी तशरीह, हमारी अक्ल, हमारी फहम, हमारी दानिश, न सिर्फ मेरी
बल्कि उम्मत के एक तबके की, एक बहुत बड़ी जमात की ये फिक्र है कि इससे नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि ये जो टहनियाँ हैं ये फ़ायदा पहुंचा सकती हैं मुर्दे अच्छा। को अगर टहनी फ़ायदा पहुंचा सकती है तो फिर अगर आप किसी की कब्र पर जाएंगे और जाकर फातिहा करेंगे उसके लिए ईसाले सवाब करेंगे तो वो ईसाले सवाब उसको पहुंचता है। मरने वाले के लिए आप कुआं खुदवा दें, मरने वाले के लिए आप जो है ना वो कोई और नेकी का अमल करवा दें। बल्कि हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कहता है मेरा माल और उसका माल नहीं है वो जो उसने अपने हाथों से आगे बेच दिया या खा लिया या पहन लिया या उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि उस आदमी ने उस माल को अपने लिए तोशा आखरत बना दिया। बाकी माल तो बाकियों के लिए बच जाता है, बाकी माल तो पीछे नहीं रहता। तो अब वो माल क्या होता है, वो माल आपके आखरत के लिए तोशा बन जाता है जो आपने हाथों से भेजा। इसी तरीके से औलाद के बारे में इसी में फरमाया कि साले औलाद और उसका इल्म ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो साले औलाद कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसका सवाब भी पहुँचेगा, बच्चा माँ बाप के लिए सड़क बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा तो उसका सवाब पहुँचेगा। तो इसी तरीके से कब्र पर खड़े होकर आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए उवैस रब्बानी साहब, अल्फाज के अंदर तासीर होती है लफ्ज़ों में, वो भी कुरान पढ़ा मैं भी आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं भी आपको यहीं इसी पॉडकास्ट में अभी कितने मोहब्बत से आप भी मुस्करा रहे हैं, मैं भी मुस्करा रहा हूँ। एक लम्हे में मैं आपको गाली दूंगा तो आपके इस 6 फिट के बदन पर उस गाली का असर होगा, यक लख्त आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा और आप कहेंगे क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, ये आप क्या कर रहे हैं। उसके बरक्स मैं अभी आपकी तारीफ करूं, आपके लिए अच्छाई के लफ्ज इस्तेमाल करूं, ना चाहते हुए भी आप खुश होंगे, भले आप मुस्कराए ना लेकिन चेहरे से मुर्दे को तो नहीं होने का, चेहरे से उसके असरात जो है वो आपके नजर आएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको कहा ना, ये इस हयात पर कयास नहीं किया जा सकता उस हयात को, लेकिन कब्र में मुर्दा मौजूद है और वो अजाब को महसूस कर रहा है। बल्कि यहाँ तक हदीस में है कि जब आप अपने मुर्दे को दफना के वापस जाते हैं तो वो वापस जाने वालों के पाँव की रगड़ को कब्र में सुनता है। अच्छा। और ये भी रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब उसको दफन कर दो तो दफन करने के बाद वहाँ उसके पास रुको। अच्छा। और फिर इस पर फुकाहा की तसरियात मौजूद हैं कि इतनी देर रुको जितनी देर में ऊँट ज़बह करके अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए, यानी उसका गोश्त बांटने तक का वक्त, ये सब इन्हें लिखा है। तो अब ये जो तमाम तर चीज़ें ये हमें ये बताती हैं कि हमारा मरने के बाद मुर्दे के साथ एक ताल्लुक है। देखिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि हम मैयत को क्यों नहलाते हैं, क्यों उसको कफन देते हैं, क्यों उसको सामने रख पर उस पर एक बाकायदा जो है ना वो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है, ये सब क्या है ज़रा आप सोचें। तो ये उसके लिए उसको इज्जत देना है, और जब कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो तब भी उसकी इज्जत और इकराम की बात की गई है। बल्कि हमारे यहाँ फुकहा ने ये सराहत भी की है, और ये गालिबन एक रिवायत भी है कि जब औरत हो ना तो औरत को आप ताबूत में दफन करो। अच्छा। ताबूत में दफन करने के कल कहीं किसी मौके पर अगर कब्र खुलती है तो उसके बदन की बेहुरमती ना हो। ठीक हो गया। तो याद रखिए, गुजारिश ये है कि अब आप देखिए शुहदाए ओहद के मज़ारात, जब नबी अलैहिस्सलाम के वो शुहदा हज़रत अमीर हमजा और दीगर शुहदा एक ज़माने में वहाँ से नहर खोदी गई तो उनकी कब्रों को वहाँ से मुंतकिल किया गया उनके जिस्म को, और उनके जिस्म पर खुदाल लग गई यानी पाँव पर, तो वहाँ से खून निकला। जाहिर है वो देखने वालों ने देखा कि उसमें बज़ाहिर जान मौजूद नहीं है लेकिन खून निकल रहा है, वो शहीद है। वो वहाँ की आयात में, अब जिस आदमी की कब्र नहीं है, जो समंदर में मर गया, जिस जो आदमी जल गया आग में, उसका क्या होगा? अल्लाह ने बरज़ख का मामला सबके साथ रखा है, इसलिए इस हयात, ये तो मैं नहीं कह रहा कि वो इस तरह से जिंदा है जिस तरह मैं और आप जिंदा हैं, लेकिन वो वहां के तकाजों के मुताबिक अजाब को भी महसूस करते हैं, वो वहां के तकाजों के मुताबिक पहुंचाए गए ईसाले सवाब को भी महसूस करते हैं, वो वहां के तकाजों के मुताबिक अपने मामलात को देखते भी हैं और चीजों को महसूस भी करते हैं, और ये तमाम तर चीजें वहां के उस आलम के हिसाब से। मगर जैसे मुर्शिद ने फरमाया, जाने वाले की एड़ियों की रगड़ भी महसूस कर रहा है मुर्दा, यानी वो सिर्फ बोल नहीं सकता, महसूस वो सब कर रहा है, देख वो सुन सब कुछ रहा है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी
चीज़ जो मुफ्ती साहब ने इसके तरफ इशारा दिया कि अगर उसके लिए हम फातिहा खानी, कुल खानी, कुरान खानी कुछ भी कर रहे हैं, इससे उसको फ़ायदा पहुँच रहा है, तो फिर हम उसको छोड़ के क्यों चले जाते हैं मुर्दे को और फिर पूछते नहीं? जो हमने पहले हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सलाम ने दो टहनियाँ रखीं, तो हज़रत कह रहे लगे लकत कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मैंने कहा खासा है। हज़रत ने कहा यह खासा नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी उसवा हैं, आपकी ज़िंदगी आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। मेरा सवाल यह है कि ये सहाबा के सामने किया, क्या कोई ऐसी रवायत मौजूद है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने ये टहनियाँ ली हों और कब्रों पर जाके रखी हों? कोई एक रवायत आपके सामने मिलेगी? नहीं मिलेगी, और मैं चैलेंज करता हूँ नहीं मिलेगी, ताबईन से भी नहीं मिलेगी। इसका मायना यह है कि यह खासा था, जब सहाबा इकराम ये समझ गए कि अल्लाह के नबी का खासा था और ये अल्लाह के आप पर वही आती है, मुझ पर वही मुमकिन नहीं है, हमें क्या पता कि इसको अजाब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लाह ने बज़रिया वही बताया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नहुमा लायुअज़्ज़बान लायुअज़्ज़बान। तो ये खासा, अगर ये खासा ना होता तो सहाबा इकराम टहनियाँ क्या पूरे दरख्त काट काट के वहाँ लगा देते, इसलिए कि उन्होंने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ ईसा साहब के मुताबिक सवाल पूछ लो कि सहाबा इकराम दफनाने के बाद पूछते ही नहीं थे, बिल्कुल मट्टी करने के बाद चले जाते थे? उस तरफ मैं आ रहा हूँ, आपने सवाल किया उस तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब ने तीन चार जगहों पर छोड़ दिया तो उसका मुझे जवाब देना जरूरी है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इज़ा मात इब्ने आदम इनका तामलु इल्ला मिन सलास, ये चीज़ें बताई जब इब्ने आदम दुनिया से जाता है, रिश्ता, ताल्लुक, नाता, कंडक्ट, राबता सब मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलास, सलास मार तीन चीज़ों के, सदका जारिया औ इल्मिन मुंतफ़ो बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, सदका जारिया मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, कुआं खुदवाया अपने हाथ से, अब वो दुनिया से चला गया, जब तक ये काम जारी रहेगा उसको अजर मिलेगा। दूसरी चीज नेक औलाद, माँ बाप के लिए दुआ करती है, रब्बी फिरली वली वाली दैया रब्बी रहमहुमा कमा रबयानी, ये पूछता है। और तीसरी चीज औ इल्मिन युन्तफ़ो बिही, आलिम था, शागिर्द छोड़ गया, उनके शागिर्द जब तक ये चलता रहता है उस तक अजर पहुंचता रहता है। ये चीज सामने हो गई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने किसी ने खड़े होकर इस तरह इशारे साफ किया? नहीं किया। जब नहीं किया, दीन मेरी राय का नाम आपकी राय का नाम तो नहीं है, किसी की राय और सोच का नाम तो नहीं है, दीन वो है जो मा काल अल्लाह और मा काल रसूल, जो अल्लाह ने कहा और जो जनाब मोहम्मद रसूल ने कहा। मुफ्ती साहब ने बात की कि सही बुखारी की हदीस है कि पाँव की खफकन आलिम के पाँव की आवाज भी सुनते हैं जब बंदा दफना के जाता है, तो हमने यही तो कहा, ये मवाक़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिए, शारे अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब शारे अल्लाह के हमारा ईमान है ठीक है, लेकिन अल्लाह ने उमूमी तौर पर फरमा दिया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि मुर्दे नहीं सुनते। अल्लाह ने कभी आपने देखा कि मुर्दे बात कर रहे हो? देखा किसी मुर्दे ने किसी से बात की हो? जब बात नहीं करते इसका मतलब सुनते ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, कौन ज्यादा गुमराह है उससे जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है उससे कि ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल, जो क़ियामत तक जवाब नहीं देते, और जो जवाब नहीं देता वो सुनता नहीं, इसका मतलब वो सुनते नहीं, उनके लिए अनदुआहिम गाफिलून, उनकी दुआओं से गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपके सामने 18 आयतें यहाँ सुना दूं, अल्लाह बारहा फरमा रहे हैं ये नहीं सुनते, ये मौके हैं। शहदाए करबला के बारे में हदीस है, हमारा ईमान है, खफकन आलिम की हदीस है, हमारा ईमान, शहदाए अहद के बारे में, शहदाए बारकला, शहदाए आज आप भी करबला ही हो गए, जी जी हम करबला को तो मानते हैं जी, हम क्यों नहीं, तो शहदाए अहद के बारे में हदीस है, हमारा ईमान है, लेकिन ये किनके लिए, किस मौके के लिए? अल्लाह के नबी ने कहा सुनते हैं जी, उनके सवाल जवाब हो रहे हैं, हमारा ईमान है, हो रहे हैं, उन्हें उठा के बिठाया जाता है, ये खास शहदा के लिए है, शहदा सब, ये सब शहदाए अहद खास तौर उस मौके पर शहदा उहद के लिए, लेकिन आम मुर्दे के लिए क्या है, आम मैयत के लिए क्या है, खफ का नियाल, अच्छा उन्हें शहीद के लिए कहते हैं, अलग सवाल हो जाएगा, मैं वो खफ का नियाल का मायना ये है, अब ये सब के लिए है, चाहे वो नेक हो बद हो, चाहे वो जन्नती हो जहन्नमी हो, चाहे वो जैसा भी हो, मर्द हो औरत हो, अल्लाह के नबी ने कहा वो कदमों की आड़ सुनती है, बिल्कुल सुनती है, हमारा ईमान है, इस मौके पे सुनती है, बाद में नहीं सुनती, ये मौका बताया दफना के जाने के बाद उस वक्त सुनती है, उस वक्त सुनती है, ये नहीं कहा कि आप हर दफा आते हो कहा अस्सलाम वालेकुम, उसी वक्त सुन रही है, उसी वक्त अगर बातचीत शुरू कर दो, सुन रहे हो, जा रहा हूँ मैं,
ऐसा वो कुछ। आपकी बात याद आई कि बंदे बार बार जाते हैं कब्र कब्र, तो एक बंदा छुप के बैठ गया तो आगे से सारे भाग गए कि मैयत बोल पड़ी। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ वाज़े है वो वाज़े है। आप कुरान की आयतों में कितनी जगह पे आप तावील करेंगे, कितनी जगह पे आप कहेंगे जब कुरान ने कह दिया, अल्लाह के नबी के फरमान ने कह दिया हमें उसे मिनवान तस्लीम करना है। बाकी मौके बताए हैं, अल्लाह के नबी इशारे हैं, शरीयत अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई है, दफना दो, तो छोड़ दो, चले जाओ वापसी दफना आगे दो, दो दफनाने के तजीम के साथ दफना दे, हाँ। उसके बाद आपने कब्रिस्तान को आना है, जब हाँ। मौका मिले कब्रिस्तान आना है, नबी फातह खानी करनी है उसकी, फजूर नहीं, फातह खानी नहीं, अपनी मौत को याद करना है, अपनी मौत को याद उस करना मुर्दे है। से कोई रابطہ देखें फजूर कुबूर, सही बुखारी की हदीस है, फइन्नहा लितुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो, अल्लाह के नबी हर पीर को जा रहे हैं, जुमेरात को जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, लितुज़क्किरुल आखिरा, ताकि आखिरत याद आए आपको, आप रात के आधे पैर उठ के जा रहे हैं। हम ऐसा फरमाती है मैं पीछे पीछे जा रही, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बकी कब्रिस्तान जा रहे हैं, और क्यों क्या फरमा रहे हैं, लितुज़क्किरुल आखिरा, ताकि तुम्हें आखिरत याद आए, ताकि तुम्हें कब्र याद आए, ताकि तुम्हें ये याद आए कि ये मुर्दों के बाजार में आया हूँ, कल तक ये जवान थे, कल तक ये चलते फिरते थे, मैंने भी मरना है, इसकी तैयारी क्या की। ठीक है सब जारे, आपके सामने दलाल भी आ गए, एक वाक्य मेरे जहन में आ रहा है, उसकी भी जरा सनत या उसकी सेहत पे बात कर लीजिएगा। हुजूर सैयद वाला हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक पे ज़्यारत के लिए जाया करते थे, गए हैं, ख़ुद अपनी वालदा माजदा की कब्र की ज़्यारत पे गए हैं, तो ये इबरत के लिए जा रहे हैं या उनकी उनसे मोहब्बत और रब्त के लिए जा रहे हैं? देखिए गुजारिश ये है कि मैं असल में आपको पता है कि मेरा क्या अंदाज़ है, मैं कुछ अरसे से उस अंदाज से इज्तनाब करता हूँ, वरना मुझे सारी चीज़ों को डील करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने कहा इनका मौक़िफ़ हो सकता है, इनका ये मौक़िफ़ हो सकता है, और जब भी ऐसी बात की जाए तो आप कहेंगे हमारा मौक़िफ़ है। ये ब्लंडर करना कि ये कुरान और हदीस है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अलावा जो कायनात में सारे लोग हैं वो कुरान और हदीस को नहीं मानते, आप पूरी उम्मत मुस्लिमों को मुशरिक करार दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आप कहेंगे मेरा मौक़िफ़ है, मैंने कह दिया कि उस आयत को इस आयत पर कयास नहीं किया जा सकता। मौकुफ, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, उस मौकुफ कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, नबी सलाम की हदीस पढ़ रहा हूँ, तो कुरान हदीस हुआ। मौलाना एक बात सुनो, ताजीब तमीज ये है कि मैं आपकी बात में नहीं बोला, मुझे अच्छे से बोलना आता है, आपके बड़ों के सामने बोलना आता है, मौके पर आप दलील से आप ये कहें कि यार कुरान हदीस है, ये आपके मेरा मौकफ मौलाना बात मेरा मौकफ कुरान हदीस में मबनी है, मैं इस पर दायूं। आप अपने बारी पर जब आपको वो मौका दें, आप 10 मिनट बोले, अगर आप बीच में बोले मैं नहीं, आप वजाहत नहीं आप बोले, आप बोले कुरान हदीस पर मबनी मेरा मौका, मैं अब अर्ज सुने, अब आपके बड़े भी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सुन लीजिए बात सुन लें। देखें आपको अगर शोहरत का शौक है तो आप लड़ाई करके हो जाए मशहूर, मैं आपको देखें मौलाना बात ये है कि देखो मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि मुअज्जब दुनिया में डिबेट का तरीका ये होता है कि आप अपनी बारी पर बोलें। हजरत आप बोले, मैंने कह दिया नहीं ना, आप इसी पे आप लगे रहेंगे, मैं कह रहा हूं आप बोले, आप आगे बढ़े, मैंने वजाहत कर दी, आप बोले, मैंने अर्ज कर दिया कि आप अपनी बारी पे बोले, आप मुझे बोलने दें, मैं अपनी बारी पे जितना वक्त आप मुझे देंगे मैं बोलूंगा, फिर इनको दे दें, ठीक है, वजात नहीं, वजात आप अपनी बारी पे करें, दूसरी की बारी में वजात, और आप भी मेरी बारी में नहीं करेंगे, नहीं है, ठीक है, तो वो कुरान सुना रहे थे ना उस पे, तो मेरे घर से बात आई, देखिए बात सुने, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद या नबी अलैहिस्सलाम ने ये कह रहे हैं ना कि ये बताएं कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये नहीं किया। ये मैं सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने कहाँ मना किया है? सवाल तो ये है ना, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुजूर ने फरमाया हो ये मेरा खासा है, तो आप मुझे बताइए, आप लाइए दीजिए दलील, आप ये कह दें, देखिए ना नबी अलैहिस्सलाम का खासा, ये आपकी तशरीह है, ये आपका जोक है, तो ठीक है आपका जोक, आपको मुबारक हो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, आपका जोक है, आपकी मोहब्बत है, आपका सिलसिला है, आपको मुबारक हो, ये आपने नतीजा अखज किया है ना, मेरे नबी ने तो नहीं फरमाया कि ये मेरा खासा है तुम नहीं कर सकते, मुझे मुमानियत दिखाइए। हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रदी अल्लाह ताला अनु, ये जितने सहाबा हैं जी। इन सब सहाबा में से आखिरी सहाबी जो 110 हिजरी में इंतकाल करते हैं अबू तुफैल, उन तक मुझे किसी एक सहाबी का कौल दिखाएं उन्होंने मना किया हो कि ये हुजूर ने किया था, ये हुजूर का खासा है, अब आप नहीं कर सकते।
आप हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि जी दिखाएं। अब सब सहाबा के साथ तो मैं नहीं था, सब सहाबा की चीज़ें मेरे सामने तो नहीं आई कि जनाब उन्होंने कब्र पे जाके ये किया ये किया। हाँ मुझे ये मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसह, देखे हजरत साहब ने फिर जो है ना ये तरीके से आपको रोकने की कोशिश की मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले गए। ये तो आपने मुझे तवज्जो दिलाई कि ये बात भी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के दिन बद्र के दिन गढ़े के करीब खड़े होकर खिताब फरमाया और सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह ये सुनते? हुजूर ने फरमाया तुमसे ज़्यादा सुनते हैं। अब आप बताइए वो सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? अब सहाबा किराम का ये सवाल करना वो तो इस माने में था ना, उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब ये सवाल करना किस माने में था? ये सवाल करना इस माने में था कि उनकी नज़र में वो समात उनको नज़र नहीं आ रही ना, दुनिया की समात के हिसाब से। लेकिन जब सहाबा ने कहा तो हुजूर ने फरमाया तुम से ज़्यादा सुनते हैं, मतलब ये कि वहाँ समात का मामला अलग होता है। इसलिए हमारा नुक्ता जो है ना वो ये है किबला कि अगर कोई आदमी कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान क्यों जाएगा? एक तो उसको अपनी मौत याद आएगी, हदीस में है। दूसरा ये कि वहाँ जाके आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि या अल्लाह इनको तू माफ़ कर दे। अब जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस क्या है कि आप उनको क्या करते हैं? सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। इसको आप क्या कहेंगे? आप इसको ये कहेंगे कि ये दुआया जुमला है? तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुआ है? मैं हम तो ये सवाल करने में अकबर जाने बोल सकते हैं। इसलिए आपकी तशरी का इख्तिलाफ हो सकता है, आप उसको इख्तिलाफ को इख्तिलाफ रखिए। आप जब मैं ये कहूँगा ना कि फ़िक़्हे हनफी के हिसाब से कोई बात तो मैं कहूँगा आनाफ ये कहते हैं, शवाफ़े ये कहते हैं, हनाबला ये कहते हैं, ये गैर मुकल्लिद हैं, ये कहेंगे हमारे नज़दीक ये मसला है तो हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये कुरान और हदीस है, देखिए आप कुरान और हदीस की तशरी कर रहे हैं, आप कहते हैं उससे नतीजा निकाल रहे हैं कि ये खासा है, तो ठीक है ये आपका नुक्ता हो सकता है, आपको मुबारक हो। आप वो नुक्ता मेरे ऊपर थोप नहीं सकते। मैं कहता हूँ ये खासा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का एक अमल है, वो अमल अगर कोई उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के करेगा तो जिस तरह उन मुर्दों को सवाब पहुँचा है उन पर रहमत हुई है, इन पर भी रहमत जो है वो होगी अगर हम करते हैं। इसलिए कोई आदमी अगर फूल रखता है जाकर कब्र पर या तर टेनी रखता है तो सुबहानअल्लाह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है हमारे नज़दीक। चादर चढ़ाना और चादर रखना, देखिए चादरों का मामला जो है ना वो ये है कि मैं बड़े खुले डुले अंदाज में कहता हूँ कि वो कपड़ा जो आप मज़ारात पर जाकर कुरान की आयात लिख कर वहाँ चढ़ा रहे होते हैं तो ये तो मैं तो इसको सीधा सीधा एक दीन के खिलाफ बगावत समझता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए कि वही चादरें बिकती हैं और उन पर लिखा हुआ जब वो आप समंदर किनारे या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो वो घटिया कपड़े पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात वो आपको ज़मीन पर पड़ी हुई नज़र आएंगी, ये अंदाज दुरुस्त तो नहीं है। पहलू है। शरण में अर्ज करता हूँ, एक कपड़ा किसी भी बुजुर्ग की कब्र पर इस हिसाब से रख देना कि उसका पता लगे कि ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, ये किसी अल्लाह के वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ये कोई कबात नहीं है, ये शरण इसमें हमारे नज़दीक कोई ममानियत नहीं है, ये जायज़ का पहलू है, ये आप कर सकते हैं, उनकी पहचान के लिए रख सकते हैं। देखें ना काबतुल्ला पर भी तो गुलाफ लगा हुआ है ना, क्यों है? घर और भी हैं, वो वहाँ रब रहता तो नहीं है ना काबे में, लेकिन वहाँ पर हमने एक गुलाफ लगा के बताया हुआ ये है कि ये एक मकाम है और ये काबिले ताज़ीम मकाम है। तो इसी तरीके से कब्रिस्तान में अगर किसी कब्र पर चादर रख दी जाए एक आध चादर, तो वो हमारे मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली अलैहि रहमा ने लिखा है कि जनाब एक चादर रखने में कोई हर्ज नहीं, बाकी चादरें आप गरीबों को दें। और फिर मैं आपके ज़रिए ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ वहाँ तक के लिए, कि खुदा का वास्ता ये चादरें इस तरीके से तसलसल से आना जाना
फिर कोई आए तो आपकी तो वो चादर नहीं है ना, ओवैस रब्बानी साहब गए उसको पहना दी, वो उसको पहना दी, ये आपका इख्तियार ही नहीं है, शरण आप उसके मालिक ही नहीं है। जब आप मालिक नहीं है तो आप वहाँ खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप कोई मौलवी साहब आए, कोई एंकर साहब आए, आप उनको पहना दें, वजीर साहब को ये दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई की दो सवाल रह गए और प्रोग्राम खत्म हो गया। एक सवाल जनाजे को लेके है कि जनाजे के तरीक़ेकार क्या हैं, आदाब क्या होंगे, ये ज़रा बयान फरमा दें और फिर दूसरे सवाल की तरफ मैं आऊँगा। मुख्तसरन मुफ्ती साहब थोड़े जज्बाती हो गए, मैं सिर्फ और सिर्फ वजाहत करना चाह रहा था, अगर इनको बुरा लगा तो फिर माजरत इनसे, क्योंकि मेरा भी ये नहीं है तरीका के और ना ही शोहरत के तलबगार हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और लोगों तक हक बात फिर आप अल्लाह को राज़ी करें ना हजरत। मसला ये है कि मैंने आपसे जो कुरान जो सुना रहा हूँ इन्ना का अल्लाह तुस्मी, आप वैसे मेरी बीच में बोल रहे हैं ना, कितना गुस्सा आता है आप बोल रहे जनाजे के सिलसिला में आपने। अब मैं तो कुरान ही सुना रहा था, इन्ना का अल्लाह तुस्मी मौता, ठीक कुरान ही सुना रहा था। खैर वाला जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजे पढ़ाए और कैफियत ये होती थी कि सहाबा कहते थे काश ही हमारा जनाजा होता। अल्लाह पढ़ाने वाले कौन कौन थे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और तरीक़ेकार सही बुखारी के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम चार तकबीरात होती थी उसमें तो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारन कई जनाजे पढ़ाए। जब सहाबा ये कह रहे हैं कि काश कि ये हमारे जनाजे होते, इसका मतलब दुआएँ चाहिए और दुआएँ मुतअद्दद दुआएँ हैं सही बुखारी में सही मुस्लिम में। तो हमारे नज़दीक अगर आप फिर हजरत कहेंगे हमारे नज़दीक सही बुखारी के रवायत सही आ गए, ठीक है। तो उसमें यह है कि चार तकबीरात होती हैं, पहली में आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, दूसरी में तकबीर कह के फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, सही है, और तीसरी तकबीर में आपने दुआएं पढ़नी है, दुआएं और दुआएं भी कमाल की दुआएं, अगर पढ़ना शुरू कर दें तो बाद की बिदअतों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। और सलाम एक फिर ना, ये एक भी ठीक है दो भी ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी फेरे हैं और आपने दो भी फेरे हैं। सलाम का मतलब ये है कि फारिग होना नमाज से, ठीक है ना, तो एक से भी हो जाता है दो से भी हो जाता है, नमाज़ में भी एक सलाम फेर के फारिग हो सकता है, दो फेरने चाहिए आम नमाज। लेकिन मैं इसकी जनाजे की बात करूँ, खुसूफ की बात करूँ, खुसूफ की बात करूँ, जब सूरज गिरन हो उसमें रवायात मिलती है कि आप सल्लम ने एक किया। अच्छा मैं बता रहा था जनाजे की दुआएँ, आप कभी सर्च कीजिए अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू अल्लाहुम्मा इग़फिर लहय्यिना व मय्यितिना अल्लाहुम्मा इन्ना फला। हमारे जनाजे होते हैं, नाराज़ नहीं होने साथी, हमारे जनाजे होते हैं एक मिनट के दो मिनट के, हत्ता कि ये भी देखें 50 सेकेंड का जनाजा, ठीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाजा पढ़ाते थे तिवाला कितनी दुआएं हैं जी ऐसे, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में दुआओं पे गौर नहीं हो रहा, किसी के जनाजे में 40 बंदे शरीक हों, यशहदु अल्लाह इला इल्लल्लाह, और वो मुवाहिद हों, और ये गवाही दे के ये बंदा नेक है, सिफारिश करे कहीं आपका वहाबी और अहले हदीस ही तो नहीं है, नहीं नहीं अकीदा तो ही मुसलमान हो, यशहदु अल्लाह इला हदीस में कि वो गवाही देते हों अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, वो गवाही देते हों कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, और वो सिफारिश करें शफा मुल्ला, ये 40 बंदों की सिफारिश अल्लाह कबूल करके इस मैयत को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, खूब हो गया। सब आखिरी सवाल है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि मौजू भी इन्हीं महीनों में चल रहा है, दिन वही है, 12 रबी अव्वल के हवाले से लोग मारूफ ये कहते हैं कि हुजूर की वफात भी इस दिन हुई है, यानी ये वफात का दिन भी है और पैदाइश का दिन भी है। अच्छा मैं दो बातें अर्ज़ करूँ जो हजरत ने अभी कहा ना दुआओं के हवाले से, 50 सेकंड का जनाजा, हम तो अपने लोगों को ये कहते हैं कि आप जनाजे में कसरत से दुआएँ पढ़ें, ठीक है, और इससे कोई इनकार नहीं है, जो अच्छी बात कोई करे तो हर बात पर हमें जो है ना वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये भाई हदीस में मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दुआएं मांगी हैं, और वो रिवायत और ये सिर्फ एक दुआ नहीं, कोई एक अल्लाह मग़फ़िर हय्यना व मय्यितना पढ़ लेता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि जनाजा नहीं हुआ, जनाजा तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको उस मय्यत से एक ताल्लुक़ है, और मैं इस ताल्लुक़ से कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, यार खुदा रसूल का वास्ता, आप कर क्या रहे हो, आपका ये अंदाज़ क्या है कि सारी ज़िंदगी जो आपके साथ रहा है उसके लिए जब हम जनाजे में आते हैं तो हमें टाइम की पाबंदी होती है कि जी इस मौके पर हो और एक मिनट के अंदर अंदर जनाब हम जनाजा पढ़ें और फिर भाग जाएँ, ये अंदाज़ नहीं है, ठीक। आप अच्छे तरीके से उस पर जनाजा पढ़ें और कसरत से दुआएं मांगें, और हम तो अपने आज जो है ना वो मस्जिद में ये कहते हैं लोगों को कि भाई अगर आपको दुआ याद नहीं है तो आप जो है ना वो पीछे वही दुआ दोबारा रिपीट करते रहें, क्या पता दूसरी दफा तीसरी दफा आप इस इखलास से पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, लेकिन कसरत से जो दुआएं रिवायात में आई हैं वो हम पढ़ते हैं और उसका लोगों को दर्स भी देते हैं, तो जो बात अच्छी बात है उसको तो हम कबूल करते हैं, ये तो नहीं है। दूसरी बात यह है रबीउल अव्वल के हवाले से ये बात जहन में रहे
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो विलादत है, विलादत बा सआदत तो 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम की है और पीर के दिन है, और इस पर बड़ी सरात मौजूद है। बाकी रह गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से तशरीफ़ ले जाना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के हवाले से 2 रबीउल अव्वल का कौल भी है, और इसके अलावा 7 रबीउल अव्वल का कौल भी है, और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के हवाले से 8 रबीउल अव्वल का कौल भी है। तो 8 रबीउल अव्वल का कौल और ये जितने कौल भी हैं सारे, और 12 रबीउल अव्वल का एक कौल है जिसकी सनद बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो चूंकि जब हम इन तमाम दर चीज़ों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल, जिस तरीके से विलादत के हवाले से 9 रबीउल अव्वल का कौल मिलता है, 2-3 रबीउल अव्वल का भी मिलता है, तो वो रिवायात कमज़ोर हैं। कवि 12 रबीउल अव्वल है और इस पर उम्मत का तामुल है, तो जब ये तामुल है और फिर ये हजरात भी हमारे साथ 12 रबीउल अव्वल में शरीक होते हैं, जश्न विलादत मनाते हैं, ईद मिलादुन्नबी, नहीं नहीं शरीक होते हैं, हमारे साथ आते हैं, इताअत बैनुल मुस्लिमीन का एक सिलसिला होता है, तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आपने आपके नज़दीक 12 रबीउल अव्वल नहीं है ना हुज़ूर का यौम विलादत, तो जिस दिन उवैस रब्बानी साहब के नज़दीक हो 27 रबीउल अव्वल है, सफर में कोई दिन आपके नज़दीक है, रमज़ान में आप उस दिन मना लें। वजाहत बनती है कि शरीक होते हैं अगर इजाज़त। अच्छा आप वजाहत भी देते हैं। दूसरा मेरे जहन में एक बचकाना सवाल आ गया, बचपन से हमने एक शेर सुना है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, मैं देखता हूँ तो इब्लीस तो मुझे नज़र नहीं आता, मगर अहले हदीस नहीं मनाते ईद मिलाद नबी, तो क्या इससे मुराद ये होते हैं, ये क्या मफहूम है, बयान फरमा। आपने बचकाना सवाल कहकर जो है ना मौजू की तवालत की तरफ इशारा कर दिया। खैर बहरहाल जो हजरत ने जिक्र किया ये भी शरीक होते हैं ऐसी बात नहीं है, और मेरी तहकीक के मुताबिक कि 12 रबीउल अव्वल का जो कौल है अल्लाह के नबी की समझ दुनिया से पर्दा फरमाने का, ये ज़्यादा कवी है, ज़्यादा कवी है। और जो 12 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन है ये उसके मुकाबले में कमज़ोर है तारीख के लिहाज से, और जो मैंने मुताला किया बल्कि इस पर कई मुहक्किकीन और मुर्खीन की राय भी है। जैसे ये एक राय है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ठीक है, इसी तरह 12 रबीउल अव्वल की वफात की राय ये ज़्यादा कवी है, ज़्यादा मजबूत है। नबी अलैहिस्सलाम की एक तो हकीकत है कि आप पीर का रोज़ा रखते थे, पूछा गया क्यों रोज़ा रखते हैं, कहा वलीद तो फी ही, मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, तो इनको रोज़ा रखना चाहिए, रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि सहाबा इकराम से बढ़ कर तो मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था, जिन्होंने अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, जिन्होंने बच्चों को यतीम कर दिया, जिन्होंने एक इशारे पर जाने दे दी। अगर अल्लाह के नबी फरमा देते, अगर उनके पास कपड़े भी नहीं होते, अपने कपड़े फाड़ के वो झंडियाँ बना लेते, वो जिन्होंने सब कुछ पेश कर दिया, क्या उन्होंने मनाया, क्या अल्लाह के रसूल ने मनाया? आप इबलीस से तशबीह दें, आप जिस चीज़ को जो भी पढ़ते रहें, क्या ताबईन ने मनाया? आप देखें तो सही कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? अल्लाह के नबी की विलादत इनकलाब थी, आपकी आना दुनिया में बहुत बड़ा अजीम अजमत थी, लेकिन ये काम सुन्नत की इत्तबा करें तरीके। उस दिन मस्जिदों में कितने लोग होते हैं, फर्ज नमाज में कितने लोग होते हैं? तो हर दिन का मैं कहता हूँ, नमाज तो माफ़ नहीं है, कहता हूँ नमाज तो माफ़ नहीं है। लिहाजा हर मुसलमान को खुशी अल्लाह के नबी के आने पर, लेकिन वो काम जो अल्लाह के नबी से सहाबा से साबित, ईद ना मनाया, जो ताबीन से साबित हैं, तबा ताबीन से मना, ईद की तो नमाज होती है, फिर कल नमाज भी शुरू कर दे, ठीक है, तो ठीक है कर दे, फिर नमाज का ऐलान कर दे, 2 रकातें पढ़ी जाएंगी, तो जो अमल सहाबा से साबित नहीं है वो दीन नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस पे अगर आपसे इख्तितामी लम्हा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल कोई बात नहीं है, 2 मिनट अगर आपके ज्यादा भी हो जाएं तो फिर इस पर भी 2 मिनट हो जाएंगे। हाँ, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत का नुक्ता ठीक है, इनके नजदीक इनकी तहकीक है कि जी 12 रबीउल अव्वल यौम विसाल है, तो मुझे कोई झगड़ा नहीं, आपकी तहकीक आपको मुबारक हो, अब मेरी तहकीक पर आप कदगन तो ना लगाएं। बाकी रह गया मसला ये कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने और हजरात ताबईन ने, किसी ने बुखारी नहीं लिखी, किसी ने मुस्लिम नहीं लिखी, वाह वाह वाह, किसी ने तिर्मिज़ी नहीं लिखी, किसी ने अबू दाऊद नहीं लिखी, किसी ने कोई किताब नहीं लिखी, तो अगर आप उन कामों को जो सहाबा और नबी के ज़माने में नहीं हुए बिदत कहेंगे, तो सबसे बड़ी बिदत बुखारी है, सबसे बड़ी बिदत मुस्लिम है, भले वो हुजूर के फरमान है, अल्लाह के रसूल के सहाबा ये कहते हैं हमारे लिए कुरान काफ़ी है, रिवायात मौजूद है, तो फिर आपने हदीसों को क्यों जमा किया? फिर ये सिलसिला असमा और रिजाल क्या है, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, इनको आप किस तरह, फिर अल्लाह के हबीब ने क्या सालाना जश्न बुखारी किया? क्या जो आज मौजूदा मुरवजा दरसे निज़ामी का निसाब है, जो इनके यहाँ हमारे यहाँ सब के यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या ये हुजूर के ज़माने में था, क्या ये सहाबा के ज़माने में था? आप कहेंगे
क्या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जो आप रैली निकालते हैं रोड पे प्ले कार्ड लेके अमेरिका मुर्दाबाद, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये निकाला? क्या ये सहाबा ने निकाला? क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ? पूरे लोगों से सवाल है कि मुझे आप ज़रा बताइए, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तोहीन हुई हो? तोहीन करने वाले थे इब्ने खतल था, इसके अलावा काब बिन अशरफ, ये लोग थे। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इनके ख़िलाफ़ सहाबा को कहा आओ निकलो हम एहतजाज करते हैं? क्या हज़रत उमर ने एहतजाज किया? नहीं किया। क्या मुसलमान कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ? नहीं हुआ। जंग हुई तो आप क्यों एहतजाज करते हैं? पाकिस्तान में कोई तोहिन करता आप निकले ऐलान करें कि हमने जंग करनी है? इसलिए देखें, मैं ये नहीं कहता इनका नुकता है, इनका नुकता है वो इनको मुबारक हो, जो मेरा नुकता है वो मुझे मुबारक हो, लेकिन ये कहना पहुंचती कहां पर है अल्लाह के नबी तक? देखिए मैं बात सुने किबला, मैं फिर वही वाली बात आप बोल पड़े, ऐसा ना करें ना। मैं इख्तिताम पसंद कर रहा हूं प्रोग्राम को, मुफ्ती नवीद बसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती रफीक सलफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खवातीन हजरात मौत के मौजू पे खूबसूरत गुफ्तगू आपके सामने ऑन रिकॉर्ड आ गई है, जो सवाल आप पूछेंगे उस पर एक और एपिसोड भी रख लेंगे, क्योंकि रबी अव्वल के हवाले से भी गुफ्तगू रही है, ये भी एक खास है क्योंकि हम चाहते हैं करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करें। हमारी और भी ख्वाहिश है हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल भी डिस्कस हों, किन चीज़ों पर एक निगाह होनी चाहिए, हम तवज्जो रखे हुए हैं, आपके सवालात कमेंट्स को हम लोग लेते रहते हैं। मैं दोनों अहबाब का शुक्रिया और इनके लिए सलामती की दुआ करते हुए ख़ास तौर से क्योंकि अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक अहल हदीस आलिम की भी वफ़ात हुई, बल्कि उनको कत्ल किया गया, निशाना बनाया गया, शहादत हुई, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं मुफ्ती रफीक सलफी साहब से और तमाम बरादरान से। ये बहुत ही नागवार मरहला है, हुकूमत से आप ये मुतालबा करें कि ऐसे लोगों के कातलों को जो टारगेट करते हैं उनको गिरफ्तार करके जिम्मेदारी पूरी। मुझे जो पता है उनके बारे में, अभी मुफ्ती साहब से मैंने सुना कहीं जाके पढ़ने के लिए भी एक पानी का गिलास भी नहीं पीते थे, ये भी उनकी एक शफकत थी। खुदा इन उलमा का साया सलामत रखे। मैं और मौलाना को दीजिएगा इजाज़त।